हेलो दोस्तों, तो आज लाया हूँ मैं आपके लिए एक और नया सा व्लॉग। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी स्कूल के इसमें मैं थोड़ा सा बिजी रह गया था, इसलिए तो मैंने सोचा अब होली आ रही है, हॉलीडेज भी है, तो चलो कुछ थोड़ा सा व्लॉग करें या फिर फोटोशूट करें। तो इसके लिए मैं ये व्लॉग लाया हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी इंटरटेनमेंट दिलाने की मैं कोशिश करूँगा ज़रूर। तो बस आप देखते रहे ये ब्लॉग्स। हम आगे एक फ़ोटोशूट करने वाले हैं, होली स्पेशल फ़ोटोशूट, तो इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएंगी। बस बाकी और क्या कहूँ आपको। ओके चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़े से मेरा आउटफिट चेंज कर लेता हूँ होली के हिसाब से, ताकि हम फ़ोटोशूट कर सकें अच्छी तरीके से। तो बस चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अब मैं आपको मेरे आउटफिट चेंज करके दिखाता हूँ। सो मैं देखता हूँ किस आउटफिट पे ज़्यादा अच्छे फोटो आएंगे, सो इस हिसाब से मैं अपना आउटफिट रख लूँगा। सो पहले एक ट्राई। सो ये रहा मेरा फर्स्ट, देखिए ये थोड़ा सा वाइट है। और एक और ट्राई करके देखता हूँ, उसमें थोड़े से फुल स्लीव्स है लेकिन वो वाइट नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ये पहनूँ या फिर वो पहनूँ। सो बस देखते हैं, मैं उसे ट्राई करके देखता हूँ, अच्छा लगा तो वो लूँगा या फिर इसमें ही फोटोज निकालूंगा। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट आउटफिट। तो ये तो मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा, देखते हैं हम दोनों इसे ट्राई करके देखते हैं, जिसमें फ़ोटो अच्छी लगी वो फ़ोटो रख लूँगा। लेकिन इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट होगा, इसलिए थोड़ा सा पुराना दिख सकता है, देखते हैं हम आगे। चलो जाने दो। सो हम आ गए दोस्तों टेरेस पे, यहाँ पे हम करने वाले हैं फ़ोटोशूट। ये पीछे लग रहा है हमारा ट्राइपॉड, जो कि हमें स्टेबिलिटी में मदद करेगा हमारे इस फोटो के लिए, जैसे कि ये थोड़ा सा मैकेनिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम सनलाइट आ रही है मेरे आँखों में, इसलिए लेकिन फोटो ऐसी अच्छी लगती है। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, इसलिए हम ट्राई करते हैं कैसी फोटो आती है। और एक दो लोग यहाँ से कलर्स वगैरह फेंकेंगे, वाटर बलून्स फेंकेंगे, उससे क्या होगा, ये जो ब्लर है ये एकदम अच्छा आएगा। और एकदम जो फोटो में लाइव इमेज चाहिए होती है वो भी इससे आ जाएंगी। बस इसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा आता है। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप वगैरह कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में आपसे मैं मिलता हूँ। तो यहाँ पे हो गए हूँ मैं कलर लगा के रेडी, बस अभी फोटो निकालने की देरी है। यहाँ पे मैं हाथ को लगा लेता हूँ, फिर उससे बाद में हमारा असली फोटोशूट शुरू हो जाएगा। बस कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, तो ये था हमारा सेकंड पोज। आपको सब कुछ हमारे इसमें पता चल जाएगा। अगर आपने वो फोटोशूट का व्लॉग वीडियो नहीं देखा तो आप जाके प्लीज देख लीजिए, ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आए और आपको थोड़ी सी पोजेस भी अच्छी लगेंगी। बस चलो मैं बढ़ता हूँ हमारे थर्ड पोज की तरफ। मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लग रहा है ये व्लॉग और ये सब कुछ फोटोशूट। इतनी खुशी मुझे। सो बस हम इसे कंटिन्यू करते हैं, मैं वो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में किसी और पोज के साथ। फाइनली दोस्तों, हमने एक पोज ट्राई की थी। सो आपको फोटोशूट में अगर वो मेरे से एडिट हो जाता है तो मैं ज़रूर डालूंगा, लेकिन मुझे उस पोज से बहुत ही थोड़ी सी सैड फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने कंटिन्यूस मोड पे भी डाला था लेकिन वो जैसा मुझे चाहिए था वैसा फ़ोटो इसमें से नहीं निकला, इसलिए मैं थोड़ा सा सैड हूँ अंदर से। पर वैसे तो देखते हैं वो अगर फोटो मेरे से एडिट हो जाता है, मैं तो फुल ट्राई करूँगा एडिट का, क्योंकि वो
पोजिंग, वो एक्सप्रेशन, वो बहुत ही अच्छे आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ देखो आप ये, मैं उसी वजह से हो गया वो पूरा कलर है मेरे बॉडी पे। देखते हैं दोस्तों हम अगली पोजिंग ट्राई करते हैं। इस बार हम सब वाटर का थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे उसमें, जैसे कि वाटर बलून या फिर पिचकारी मार के देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मस्त फोटो नज़र आता है, क्योंकि वो वाटर हवा में रहता है, इसलिए चलो चलो जाने दो हम अगला पोज ट्राई करते हैं। चलो सो फाइनल दोस्तों हमारा जो फोटोशूट था वो लगभग ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि अभी सूरज भी ढल चुका है और हमने जो पोज ट्राई की उसमें से मुझे 2-4 ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। सो मैं उसे एडिट करके डाल दूंगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पे मैं फोटोज़ डालता रहता हूँ। ये हमारा जो हमने वाटर का ये फोटोशूट किया वो अभी पूरा गीला हो चुका हूँ, अभी मुझे जल्द से जल्द नहाने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है मैं। जाने दीजिए। देखिए दोस्तों हमें क्या क्या करना पड़ता है एक फोटोशूट के लिए, ताकि हमारा कैमरा ना भीग जाए, इसलिए पट दैट शॉट। दोस्तों अभी चल रहा है हमारा पैकअप, सब हमारा फोटोशूट वगैरह सब हो गया है। देखो हालत बहुत ही बुरी हो गई है अभी, कलर अभी मुझे नहाना होगा जल्दी से। हमारा बस सारा सेटअप लगभग पैक हो चुका है, हम नीचे जा रहे हैं, मैं नीचे जाके आपसे कुछ बातें करता हूँ। हाँ तो ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जब फोटोशूट किया था उस दिन डेट थी 25 मार्च, और आज की डेट है 28 मार्च, मतलब कि 3 दिनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दिन से, मतलब कि 2 दिन तो वीडियो एडिटिंग ही करता रहा थोड़ा थोड़ा, और एक दिन मैंने वो थंबनेल डिस्क्रिप्शन टाइटल वो उसमें थोड़ा सा टाइम गया, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन और एक्सटेंड करते हैं और फिर मैं आपको आप लोगों से बताता हूँ। तो मुझे आपसे ये कहना था कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ पे जाओ, और वो मैंने मेरा ब्लॉग है वहाँ पे मैं फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लाता हूँ। सो आपको भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो, सो आप एक बार चेकआउट करके देख लेना। और फ्यूचर में मैं वहाँ पे थोड़ा सा एडिट वाला भी बटन डालूँगा, मतलब कि आप वहाँ से मुझे फ़ोटो सेंड करोगे और फिर उसके बाद मैं उसे एडिट करके फिर वापस आपको दे दूँगा। ये थोड़ी दिनों के बाद, मतलब कि इसे थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि वो सब अरेंजमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए, लेकिन वो ये बटन ज़रूर आएगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। और फिर अगर वो जो फोटोशूट का वीडियो है इसमें अगर 500 व्यूज़ आ गए, तो मैं फिर जो भी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे या फिर एडिट किए थे, तो मैं आपको एकदम रॉ फोटो से जो एडिट वाला फ़ोटो रहता है उस तक की सारी कुछ एडिटिंग बता दूंगा, और मैंने वो कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। सो अगर मुझे उस वीडियो पे 500 व्यूज़ आ जाते हैं तो ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा। हाँ तो ये ब्लॉग मैंने बस एकदम रॉ सा बनाया है, मतलब कि इसमें कुछ है नहीं, स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने कुछ क्लिप्स निकाली थी मतलब कि ट्राई करने के लिए, तो बस मैंने एक बार इसे एडिट करके देखा, ये एक स्टोरी लाइन बेस्ड तो नहीं है, ये तो आपको भी पता चल गया होगा। मैंने ऐसे ही रैंडमली कैमरा ऑन करके कोई भी फुटेज दिख ली और वो डाल ली, तो ऐसा किया। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए
और अगर आपको आपने वो फोटोशूट का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उस वीडियो पे मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे इसके हिसाब से ही 500 व्यूज़ इस पे चाहिए। मुझे तो लगता है हो जाने चाहिए, क्योंकि अब तक तो 100 हो गए हैं, तो बस 2 4 दिन में, मतलब कि एक दिन में 100 हो गया है, 5 दिनों में 500 तो हो जाने ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो आप पे ही है। और आपको वो वीडियो कैसा लगा और उस पे से कौन सी पोज अच्छी लगी, मुझे कमेंट जरूर करना। हाँ, और इस वीडियो पे अगर अच्छे अच्छे व्यूज़ आए तो मैं फिर एक व्लॉग बनाऊंगा। मैं तो वैसे सोच ही रहा था, लेकिन अगर इस पे व्यूज़ और सब कुछ अच्छा रहा तो मैं फिर और एक व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको व्लॉग्स कैसे अच्छे लगते हैं, और अगर आपको कैसे व्लॉग अच्छे लगते हैं ये मुझे आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं उस हिसाब से ट्राई ज़रूर करूँगा। और हाँ, आप सभी को हैप्पी होली, क्योंकि ये वीडियो होली के दिन ही जाएगा ऐसा मुझे लगता है, जैसे कि मैंने शेड्यूल किया है इस हिसाब से। तो आप सभी को हैप्पी होली, और सॉरी ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो लगभग 10 12 मिनट का तो हो ही गया होगा। तो बस आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है। तो बस चलो, हम मिलते किसी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए।